नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। इंतजार खत्म, आज घोषित होगा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सुबह करीब 10:30 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि 91,183 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 82 बोरियों में भरे थे 12,51,000 के सिक्के। संतोषगढ़ में एक गाड़ी से पकड़ी थी बोरियां। संतोषगढ़ में 28 अप्रैल को एक गाड़ी से पकड़ी 82 बोरियों से सिक्कों की गिनती सोमवार को पूरी होगी है। 3 मशीनों से गिनती का काम सोमवार दोपहर बाद पूरा हुआ। 82 बोरियों में 12,51,155 रुपए के सिक्के भरे थे। फिलहाल इस राशि को जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम ने कोषागार कार्यालय में जमा करवा दी है। मामले में अब रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई है। मामले में जिला व्यय निगरानी समिति कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही आयकर विभाग को भी समिति पत्र लिखेगी, क्योंकि आचार संहिता के बीच ये धनराशि पकड़ी गई है। बीते रविवार को सिक्कों की गिनती करने वाली डिजिटल मशीनों में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इससे पहले एक सप्ताह में रोजाना 20 के करीब कर्मचारी गिनती में जुटे थे। उन्होंने 25 बोरियों में भरे सिक्कों की गिनती कर ली थी। इसमें 3,76,000 की राशि मिली थी। मशीनों से 24 घंटों के भीतर बची 57 बोरियों के सिक्कों की राशि को गिनती का कार्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री बोले, छिटकते कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए सरकार बनाने के सपने देख रहे जयराम ठाकुर। हिमाचल में कांग्रेस के नेता ने आम जनता उपचुनाव लड़ रही है। भाजपा ने राज्यसभा की सीट चुराई है। कांग्रेस के पास धनबल नहीं है, लेकिन जनबल है। जनबल से जनता कांग्रेस को चारों लोकसभा सीट और उपचुनाव जिताएगी। भाजपा से छिटकते नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 4 जून को सरकार बनाने के सपने दिखा रहे हैं। नादौन में पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही है। आचार संहिता हटते 11 जिलों के कॉलेज छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन ई पास की सुविधा। राजधानी शिमला में HRDC ने कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पास की सुविधा शुरू कर दी है। वहीं इस सुविधा के तहत जिला शिमला के सरकारी कॉलेजों के छात्र ऑनलाइन पास बना रहे हैं। ऐसे में अब आचार संहिता हटते प्रदेश के 11 जिलों के कॉलेजों के छात्र छात्राओं को भी ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शिमला में निगम का ऑनलाइन पास बनाने का ट्रायल भी सफल हो गया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद शिमला में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पास बनाने के लिए बस अड्डों पर नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में इस सुविधा के शुरू ना होने से कॉलेज छात्रों को पास बनाने के लिए बस अड्डों पर जाना पड़ रहा है। लेकिन जून माह के बाद पास बनाने के लिए प्रदेश के कॉलेज छात्रों को पास बनाने के लिए परेशानी नहीं होगी। HRDC की ऑनलाइन सुविधा को लेकर शिक्षा विभाग ने मौजूदा समय में हमीरपुर व ऊना जिला के कॉलेज प्रधानाचार्यों को कहा है कि वे छात्र छात्रों को ऑनलाइन ई पास बनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे घर बैठे पास बना सके। हिमाचल हाईकोर्ट निर्दलीय विधायक के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के मामले में 3 घंटे तक चली बहस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ FIR को रद्द करने के मामले में 3 घंटे बहस चली। न्यायाधीश विपिन चंद नेगी ने इस मामले को सुना। सरकार की ओर से अभी बहस पूरी नहीं की गई। मंगलवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रणदीप राय अदालत में पेश हुए। उन्होंने पुलिस की ओर से दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 और 8 के तहत दर्ज मामले को गलत बताया है। उन्होंने दलील दी कि राजनीतिक कारणों की वजह से सरकार ने इन पर FIR दर्ज की है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक पुलिस कार्यवाही रोक दी जाए। दूसरी ओर सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की हत्या हुई है। अदालत को बताया कि पुलिस ने राकेश शर्मा को 2 नोटिस जारी किए थे, वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की मंडियों में किलो के हिसाब से सेब खरीद का प्रयास करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश की मंडियों के बाद अब पड़ोसी राज्यों की मंडियों में भी
किलो के हिसाब से सेब खरीदने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जल्द ही सरकार पड़ोसी राज्यों की सरकारों से चर्चा करेगी तथा उनके राज्यों में सेब किलो के हिसाब से खरीद का नियम बनाने के लिए सहयोग की अपील करेगी। इससे बागवानों को लूट से बचाया जा सकेगा। प्रदेश में गत वर्ष से सरकार ने फल मंडियों में सेब अन्य फलों को किलो के हिसाब से खरीदने व बेचने को अनिवार्य किया था, जिससे बागवानों को लाभ हुआ है। हालांकि शुरू में कारोबारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण उन्हें भी इस पर अमल करना पड़ा है। इसी तरह पड़ोसी राज्यों पंजाब हरियाणा सहित दिल्ली चंडीगढ़ आदि में हिमाचल के सेब बिक्री के लिए जाते था, यहाँ अभी भी पेटी के हिसाब से सेब की खरीद हो रही है। लेकिन अब प्रदेश सरकार का प्रयास है कि इन राज्यों की मंडियों में भी सेब हिमाचल की तर्ज पर किलो के हिसाब से खरीदा जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव हिमाचल में 7 मई से शुरू होगी नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में 7 मई को लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो जाएगी। राज्य में अंतिम चरण में लोकसभा के आम चुनाव होंगे, जबकि 6 विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। इसके लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी। राज्य में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 मई को है। नामांकन पत्रों की छंटनी 15 को होगी तथा नाम वापस 17 मई तक लिए जा सकेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि राज्य में चुनाव मैदान में कितने प्रत्याशी होंगे। वहीं 1 जून को मतदान तथा 4 जून को मतगणना होगी। एसपीयू ने जारी की स्नातक व एमएड परीक्षा की फाइनल डेट शीट। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक व एमएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 मई से शुरू होगी। इन परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाल दी है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे तथा जिनकी इंटरनल असेसमेंट सभी संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा भरी जा चुकी है, वे भी एसपीयू मंडी की वेबसाइट पर जाकर इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। करीब 4 साल बाद 479 सीटों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कई श्रेणियों के अभ्यर्थी अब बीपीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से लटके इस परिणाम के कारण अधिकतर अभ्यर्थी बीपीएल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और प्रदेश सरकार से राहत की गुहार लगाई है। बीपीएल श्रेणी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्होंने पोस्ट कोड 817 के लिए आवेदन किया था उस समय वे बीपीएल में थे। जब परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट हुआ उस समय में भी वे बीपीएल में थे। इसके बाद किन्हीं कारणों से वे बीपीएल से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से मांग की है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों के उस कार्ड को रिजल्ट आने तक की तिथि के बीपीएल कार्ड को मान्य किया जाए। राजनीति नादौन में भाजपा को बड़ा झटका, प्रभात चौधरी कांग्रेस में शामिल, 2 बार लड़ चुके विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नादौन में भाजपा को झटका दिया है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री के कवरिंग कैंडिडेट रहे प्रभात चौधरी सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गया है। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पट का फूलमाला पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। उनके अलावा भाजपा के बटाली बूथ के पूर्व अध्यक्ष हंसराज और होशियार सिंह रमेश चंद भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खबर कांगड़ा से। कांगड़ा के 26 साल के जवान मनीष कुमार की लेह में मौत, अभी नहीं हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा की पंचायत नौशहरा से सेना के जवान मनीष कुमार उम्र 26 की मौत हो गई है। वे लेह में तैनात थे। अभी तक मौत के सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है। जवान का पार्थिव देह मंगलवार सुबह नौशहरा पहुंचने की संभावना है। मनीष कुमार 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। टांडा मेडिकल कॉलेज में चंबा का व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टरों ने किया होम आइसोलेट। चंबा में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। शनिवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में 77 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें चंबा के एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये व्यक्ति हिमाचल पुलिस में सेवारत है। बुखार और जुकाम से पीड़ित होने पर उन्होंने जांच करवाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही उन्हें प्रशासन की ओर से छुट्टी दे दी गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।